नमस्कार दोस्तों, सर्जिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश पोर्शन कवर कर रहे थे। अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ इंग्लिश का, तो इसका देखिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक तो मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाके प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए हमने जनरल अवेयरनेस का एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार कर दिया है, जिसमें कि आपको इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके, तो वो सारा कुछ इसमें हमने इंक्लूड कर दिया है। जो टॉपिक्स हमने आपको ऑलरेडी कवर करा दिया वो तो है ही, इसके अलावा जो टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है तो वो सारा कुछ हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है विद क्वेश्चन के साथ में। तो आप लोग जो है इसको बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। और देखिए दोस्तों, हमने जो है इसके साथ में एक स्पेशल कोर्स भी हमने लॉन्च किया हुआ है आपके इंग्लिश और जीके के पूरे कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो है इंग्लिश और जीके का पूरा कंप्लीट आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड तो करेंगे ही, साथ में आपको पीडीएफ और साथ में टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा टॉपिक वाइज, और ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी आपको हम प्रोवाइड इसमें करेंगे। तो ये जो है आपके जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं आपके, जैसे कि आपका हो गया HPCL का, DSSSB का, RSCBHAL का, जिसमें कि इंग्लिश आपके पूछे जाएंगे, तो इन सभी के लिए आपका ये हेल्पफुल रहेगा। और जिसमें जीके आपका है तो जीके के लिए भी जो है आपका सभी एग्जामिनेशन में आपके आने ही वाले हैं, बस स्पेशल को छोड़ के। तो इन सभी का एग्जामिनेशन में आप लोग जीके का तैयारी तो कर ही रहे होंगे, तो उसमें जो है आपका ये काम आ जाएगा। तो देखिए ये कोर्स केवल आपको ओनली 199 रुपीज़ में ही अवेलेबल है, तो आप लोग इसको बाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कोर्स को बाय करने के लिए। तो इसके लिए जो है आपको हमारे सर्जी क्लासेस का जो एक ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग जो है यहाँ से जाके कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखिए स्टडी किया था कंजक्शंस के बारे में, तो आज देखिए हम लोग इसमें कवर करेंगे हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में, जो कि आपका ये पार्ट टू होगा। एक पार्ट में हमने स्टडी किया था इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में, तो हम लोग इसको इसी तरीके से पार्ट बाई पार्ट कवर करते चलेंगे, जिससे कि आपका जो है और ज़्यादा इसमें आपको क्लियरिटी हो सके, क्योंकि देखिए दोनों टॉपिक्स कवर करते चलेंगे तो इससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस दिया हुआ है और यहाँ पे उसका मीनिंग दिया हुआ है, यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन नहीं, इसका जो मीनिंग होता है इस इडियम्स एंड फ्रेजेस का, तो वो आपको यहाँ पे याद रखनी है। और यहाँ पे देखिए दिया आपका यहाँ पे कि क्रॉस बोन्स टीज एंड डॉट, तो क्रॉस बोन टीज एंड डॉट का इसका देखिए मतलब रहता है यहाँ पर कि बी प्रिसाइज केयरफुल एंड वंस एग्जैक्ट, यानी कि जो कोई भी चीज़ हो जो पूरे तरीके से पूरे एग्जैक्ट हो, और उसको मतलब एक तरीके से बोला जाए बहुत ही प्रिसाइज तरीके से और केयरफुली से, तो वो उसको लिए बोलते हैं हम लोग दैट इज क्रॉस बोन टीज एंड डॉट। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका एन आर्म्स लेंथ, तो एन आर्म्स लेंथ का देखिए इसका मतलब रहता है टू कीप एट ए डिस्टेंस, यानी कि कोई किसी चीज़ से अपना दूरी बनाए रखना हो गया। तो यहाँ पे सिंपल मतलब है कि एट आर्म्स लेंथ। अब देखिए कोई भी बोलाता है ना कि हाँ कोई दूरी बना के रखो, तो देखते हैं कि आप अपना हाथ फैलाते हैं दोनों तरफ के, हाँ हम तो अब दूर हो गए इससे। तो सिंपल आप यहाँ से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं यहाँ पे, ये कोई देखिए हिंदी मीनिंग आपको नहीं करना है इसका, यहाँ पर मीनिंग आपको करना है तो थोड़ा सा स्टोरी बना के कीजिए, तो आपको ज़्यादा दिनों तक ये याद रहेगा। टू कीप एट ए डिस्टेंस यानी कि किसी चीज़ से दूरी बनाए रखने को बोलते हैं हम लोग एट आर्म्स लेंथ। फिर इसके बाद देखिए अगला है आउट ऑफ क्वेश्चन, तो आउट ऑफ क्वेश्चन का देखिए इसका मतलब रहता है दैट इज इम्पॉसिबल, यानी कि जो ना के बराबर हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग आउट ऑफ क्वेश्चन। तो आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब ये हो गया कि हमें हारना, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कि हमें हराना आउट ऑफ क्वेश्चन है कि कोई हमें हरा ही नहीं सकता है, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग आउट ऑफ क्वेश्चन का। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि आउट ऑफ द वे, तो आउट ऑफ द वे का मतलब रहता है दैट इज स्ट्रेंज, यानी कि कोई चीज़ स्ट्रेंज हो, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग आउट ऑफ द वे। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि स्लो अ क्लीन पेयर ऑफ ए हील्स, तो सो ए क्लीन पेयर ऑफ ए हील्स इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि रन अवे। तो इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि कोई जो है अगर मान लीजिए कोई कोई मान लीजिए वो संकट में कोई पड़ा हो, उसको छोड़ के वो चला जाए वहाँ से, यानी कि उसके साथ कोई अपना दिखाए नहीं, उसके साथ कोई वो मिले ही नहीं, उसका साथ ही ना दे, तो इसलिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग कि सो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, यानी कि जब मदद करने का समय आया तो उस समय उसने किया ही नहीं, तो वो जो है अपना क्या किया कि अपना क्लीन पेयर ऑफ हील्स दिखा दिया, भाग गया वहां से। तो सिंपल इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे। फिर अगला देखिए दिया भाई कि कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, तो कीप वन फिंगर क्रॉस्ड का इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि द एंगजाइटी इन विच यू होप दैट नथिंग विल अपसेट योर प्लान्स, यानी कि ऐसा सिचुएशन आपका रहता है यहाँ पे कि यानी कि ऐसा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाता है, एंगजाइटी आपके ऊपर में रहेगा और उस समय भी आप ऐसा होप कर रहे हैं यहाँ पे
कि जो है आपका कोई भी नहीं बिगाड़ सकता या फिर कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता आपका जो भी प्लान हो। तो उस सिचुएशन में आप लोग रहते हैं, दैट इज एंजाइटी में आपको, मतलब उस सिचुएशन के लिए बोला कि बोला था ये टेंशन प्रेज आपका कि कीप ऑन फिंगर क्रॉस्ड, आपको पता ही नहीं है कि हाँ क्या होने वाला है क्या नहीं होगा, बस आप लोग अपने प्लान के ऊपर बस ये सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन उस समय एंजाइटी बना हुआ रहता है आपके पास में। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि इन द निक ऑफ टाइम, तो इन द निक ऑफ टाइम का मतलब रहता है यहाँ पर कि जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि जैसे कोई भी चीज़ हो, कोई भी खेल हो, तो उसका जस्ट लास्ट मोमेंट का जो टाइम रहता है आपका यहाँ पे, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज इन द निक ऑफ टाइम, यानी कि जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, कोई भी चीज़ जो लास्ट मोमेंट में किया गया हो तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है आपका इन द निक ऑफ टाइम का। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ सिटिंग ऑन द फेंस, तो सिटिंग ऑन द फेंस का इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजन, अब दो डिसीजन आपके पास रहता है कि करे या ना करे, करे या ना करे, तो उस तरह का जो सिचुएशन जो अराइज होता है तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है यहाँ पे कि सिटिंग ऑन द फेंस, यानी कि फेंस में आप बैठ जाते हैं वहाँ पे, आप सोचते हैं कि करे या क्या कर, कर क्या करे या क्या ना करे। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि स्प्रेड लाइक ए वाइल्ड फायर, तो स्प्रेड लाइक ए वाइल्ड फायर का मतलब रहता है कि स्प्रेड क्विकली, जैसे कोई भी बात मान लीजिए हो गया कि वो इतनी तेजी से फैलता है, या फिर कोई भी चीज़ आपका हो गया कि जो कि पूरे खबर फैल जाता है बहुत ही तेज़ी से, देखिए कोई भी चीज़ आपका रहता है, कोई न्यूज़ रहता है कि जो कि एक तरीके से मान लीजिए जिसकी प्रोबेबिलिटी होने की संभावना उसकी बहुत ही कम होती है, लेकिन ऐसा कोई चीज़ अगर इवेंट हो जाए तो वो बहुत ही तेज़ी से कोई भी चीज़ फैलेगा, तो इसी के लिए वर्ड यूज़ करते हम लोग कि स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। अब देखिए फायर जो आपका रहता है, आग जब पकड़ता है कहीं पे भी, तब देखते हैं कितना तेज़ी से वो फैलता है, तो उसी से रिलेट करके ये किया गया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ द गिफ्ट ऑफ द गैप, तो गिफ्ट ऑफ द गैप का देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि टैलेंट फॉर स्पीकिंग, यानी कि जिसके पास बहुत ही अच्छा, तो उसके पास टैलेंट होती है स्पीक करने का, यानी कि बोलने का उसके पास जो बहुत ही अच्छा एबिलिटी होता है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करता है गिफ्ट ऑफ द गैप। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि बाई हुक और बाई क्रुक, बाई हुक और बाई क्रुक इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि बाई फेयर और फॉल मीन्स, यानी कि वो जो है किसी चीज़ को पाना चाहता है, वो कोई भी तरीका हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, चाहे वो कोई भी तरीका हो उसे पाना ही चाहता हो, तो कोई भी तरीके से कोई भी चीज़ को अचीवमेंट करने के लिए जो वर्ड मतलब जो इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज़ किया था, तो वो आपका बाई हुक और बाई क्रुक। फिर इसके बाद देखिए दिया हुआ है कि फिदर्स वंस ऑन नेस्ट, तो फिदर्स वन ऑन नेस्ट का मतलब रहता है यहाँ पर आपका कि मेक मनी अनफेयरली, यानी कि पैसे इकट्ठे करना, लेकिन वो किस तरीके से, तो वो अनफेयरली तरीके से, गलत तरीके से जो पैसा जो मतलब बनाए अपना, तो उसके लिए वर्ड यूज़ उसके लिए फिर इडियम्स यूज़ किया जाता है फिदर्स वन ऑन नेस्ट। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि थ्रो आउट ऑफ गियर, तो थ्रो आउट ऑफ गियर का मतलब रहता है यहाँ पे कि डिस्टर्ब द वर्क, यानी कि वर्क को डिस्टर्ब कर देना, यानी कि इसका दूसरा सेंस आप इस तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पर कि जैसे कोई वर्क कर रहा हो उसमें कोई अड़ंगा डाल रहा हो यहाँ पे कि वहाँ उसको करने नहीं दे रहा हो अच्छा से, तो डिस्टर्ब द वर्क के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, फ्रेज यूज़ करते हैं हम लोग दैट इज थ्रो आउट ऑफ गियर। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ कि टेक टू वंस हील्स, तो टेक टू वन सील्स का इसका देखिए वही है सेम आपका यहाँ पे उपनय देखा था यहाँ पे कि सो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स रन अवे, तो यहाँ पे सेम यहाँ पे है कि टेक टू वन सील्स, यानी कि अपने हील्स पे आके और चल भाग गया हुआ, तो कोई भी चीज़ मान लीजिए कोई भी पर्सन हो जो भाग जाता हो तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, फिर यूज़ करते हैं हम लोग टेक टू वन सील्स। फिर उसके बाद देखिए टूथ एंड नेल दिया हुआ है, तो टूथ एंड नेल का देखिए मतलब रहता है यहाँ पे कि विथ ऑल वंस पावर, यानी कि जो अपना पूरा पावर दिखा देता हो किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके लिए वर्ड यूज़ कहते हैं हम लोग दैट इज टूथ एंड नेल। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है डाई इन हार्नेस, तो डाई इन हार्नेस ये आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, तो इसका मतलब रहता है कि डाई वाइल इन सर्विस, यानी कि कोई भी पर्सन है उसका अगर मृत्यु हो जाता है जब वो सर्विस में रहता हो, यानी कि कोई पोस्ट पे बना हुआ रहता हो, तो उसके लिए वर्ड यूज़ कहता है दैट इज डाई इन हार्नेस का। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि टेक ए लीव आउट ऑफ वंस बुक, तो टेक ए लीव आउट ऑफ वंस बुक का इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि दैट इज इमिटेट वन, यानी कि कोई किसी का अगर नकल करता है, उसका नकल करके लिखता है या चीटिंग करके करता है उसका, और वही सेम चीज़ को वो पब्लिश कर देता है या छाप देता है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग कि टेक ए लीफ आउट ऑफ वंस बुक, यानी कि किसी का बुक में से उसका एक पत्ता को ले लेना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पत्ता कोई ले लेता, ये देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस है, इसका कोई भी मीनिंग से रिलेटेड नहीं रहता, हिंदी ट्रांसलेशन से कोई मीनिंग नहीं होता है, तो ये एक तरीके से कहावतें होते हैं, मुहावरे होते हैं, जो कि आपको इसका अंडरस्टैंड करना होगा इसका मीनिंग क्या होगा। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि लीव नो स्टोन अनटर्न, तो लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब रहता है यहाँ पे कि यूज ऑल अवेलेबल मीन्स, यानी कि कोई चीज़ पाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए
उसने जो है अपना सारा कुछ जो है उसने लगा दिया, यानी कि जितने भी मीन्स हो, जितने भी तरीके हो, उसने सारा कुछ लगा दिया उसको पाने के लिए। तो उसके लिए जो है यूज़ करते हैं हम लोग कि लीव नो स्टोन अनटर्न। फिर इसके बाद देखिए दिया हुआ है मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का देखिए मतलब रहता है यहाँ पर कि अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, यानी कि ऐसा पर्सन कि जिसका कोई मीनिंग ना, मतलब उसका कोई वैल्यू ही ना हो, तो उसके लिए किया जाता है यहाँ पे, दैट इज इडियम्स आपका है, दैट इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ कि रीड बिटवीन द लाइन्स, तो रीड बिटवीन द लाइन्स का देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी कि कोई चीज़ अगर मान लीजिए हिडन मीनिंग रहता है, या फिर कोई चीज़ मान लीजिए कोई सेक्रेट चीज़ रहता हो, या फिर कोई कोड वर्ड में लिखा रहता है, तो अगर उसको कोई समझ जाए कि वो क्या है एक्चुअली में हिडन मीनिंग इसका, तो उसके लिए यूज़ क्या आता है कि रीड बिटवीन द लाइन्स। अब जैसे कोई लाइन रहता है आपका लिखा हुआ रहता है, तो अगर उसको मान लीजिए कोई अगर पढ़ ले, तो वो जाहिर सी बात है कि वो जो है अंडरस्टैंड कर गया होगा जो भी हिडन मीनिंग है, तो सिंपली आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ इन कोल्ड ब्लड, तो इन कोल्ड ब्लड का मतलब रहता है कि डिलिबरेटली एंड विदाउट इमोशन, यानी कि जो किसी में बिना कोई इमोशंस का कोई चीज़ हो और वो ज़बरदस्ती हो, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग इन कोल्ड ब्लड। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि अ थॉर्न इन द फ्लेश, अ थॉर्न इन द फ्लेश का मतलब रहता है यहाँ पे कि अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ एनोवेंस, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जिसमें कि आप जैसे कोई अगर संकट में हो, या फिर वो कोई मान लीजिए कि वो दुख में हो, तो उससे मतलब जो है वो एक तरीके से वो कॉन्स्टेंट ही हो, यानी कि वो कभी ख़त्म ही ना हो, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करता है थॉर्न इन द फ्लेश। फिर इसके बाद देखिए दिया हुआ यहाँ पर आपका स्मेल रैट, तो स्मेल रैट का मतलब रहता है यहाँ पर कि सस्पेक्ट समथिंग फॉल, यानी कि कोई चीज़ जो है उसने सस्पेक्ट किया कि कोई चीज़ तो गलत यहाँ पे हो रहा है या फिर गलत होने वाला है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हम लोग स्मेल रैट। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ कि हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, तो हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग का मतलब रहता है यहाँ पे कि ड्वेल ऑन द सेम सब्जेक्ट, यानी कि सेम सब्जेक्ट के ऊपर में वो डील करते रहना, उसी के ऊपर बात करते रहना, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग कि दैट इज हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। फिर उसके बाद देखिए अगला है बरी द हैचेट, तो बरी द हैचेट का मतलब रहता है यहाँ पे कि इंड द क्वारल एंड मेक पीस, यानी कि जो है झगड़ा कोई मान लीजिए चल रहा हो किसी के बीच में, तो उसको ख़त्म कर लेना और उसके बाद फिर पीस कर लेना, यानी कि शांति स्थापना कर लेना है, तो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग बरी द हैचेट। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ है यहाँ पर जो कि इसमें दिया हुआ है कि लीव वन इन द लर्च, तो लीव वन इन द लर्च का मतलब रहता है यहाँ पे कि डिजर्ट वन इन डिफिकल्टीज, या लीव वन इन ए हेल्पलेस कंडीशन, यानी कि कोई किसी पर्सन को मान लीजिए कि उसको डिफिकल्टी में उसका साथ छोड़ दे, या फिर जो है उसको हेल्पलेस कंडीशन में छोड़ दे, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, फ्रेज आपका है दैट इज लीव वन इन द लर्च। फिर उसके बाद देखिए दिया भाई कि लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, तो लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर इसका देखिए मतलब रहता है यहाँ पर कि इन स्ट्रेंज सिचुएशन, यानी कि ऐसा सिचुएशन कि जो किसी पर्सन के लिए बहुत ही स्ट्रेंज टाइप का हो, यानी कि उसके लिए जो है बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो एक तरीके से, तो आप इसको सिंपली याद कर सकते हैं यहाँ पे कि लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। अब मान लीजिए कोई फिश को अगर पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो कैसा होगा, उसके लिए स्ट्रेंज सिचुएशन रहेगी, क्योंकि उसका जो एक लाइफ होता है कि वो वाटर के अंदर में ही वो रहती है, वहीं पे सर्वाइव कर सकती है, तो उसके लिए कैसा होगा, एक स्ट्रेंज सिचुएशन तो रहेगा ही रहेगा, तो आप यहाँ पर रिलेट करके याद कर सकते हैं इन सभी को। फिर इसके बाद देखिए दिया हुआ है कि एट वंस बेक एंड कॉल, एट वंस बेक एंड कॉल का इसका मतलब रहता है कि अंडर हिज कंट्रोल, यानी कि जो कोई उसके कंट्रोल में रहे, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एट वंस बेक एंड कॉल। फिर इसके बाद देखिए दिया हुआ है टू मेक बोथ हैंड्स मीट, टू मेक बोथ हैंड्स मीट का मतलब रहता है यहाँ पर कि टू लिव विद इन वंस इनकम, यानी कि जो जिसका जितना इनकम हो बस वो उसी में ही सर्वाइव करना, उसी से ही वो अपना सब कुछ चलाता हो और कुछ ज़्यादा वो नहीं करता हो, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग टू मेक बोथ हैंड्स मीट। फिर उसके बाद देखिए अगला है इन हॉट वाटर, तो इन हॉट वाटर का मतलब रहता है कि इन ट्रबल, तो कोई भी अगर मान लीजिए ट्रबल में आ जाता हो, कोई परेशानी में आ जाता हो, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ट्रबल। अब देखिए सिंपली अब याद कर सकते हैं कि इन हॉट वाटर, अगर कोई मान लीजिए कोई हॉट वाटर में अगर कोई चला जाए, तो जाहिर सी बात है वो ट्रबल में तो आएगा ही, परेशानी तो उसको होगा ही होगा, तो आप यहाँ से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसी तरीके से पार्ट बाय पार्ट जो है इडियम्स को डिस्कस हम लोग करते चलेंगे।